मॉर्निंग हम लोग की आज की हमारी क्लास है हो रही है यूएससी सेकंड सेम के लिए बॉटनी की क्लास, जिसमें हम पढ़ चुके थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्लांट। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पे ये जो है वो सी प्लांट जो है वो पाया जाता है। तो हमें सभी को पता है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो विश्वव्याप्त है, मतलब विश्व में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर ये ना पाया जाता हो। ठीक है, ये मरुस्थल में भी पाया जाता है, पहाड़ों की चोटियों पर भी पाया जाता है, ठंडे स्थानों पर भी पाया जाता है, समुद्र की सतह पर भी पाया जाता है और समुद्र के चारों ओर जो है वो उपस्थित रहता है। ठीक, यदि हम बात करें मरुस्थल में, मरुस्थल में भी कितनी गर्मी रहती है उस स्थिति में भी ये पाया जाता है। जैसे कि नागफनी कैक्टस को आप जानते हैं, वो एक स्पोरोफाइट प्लांट है, जो भी कहाँ पाया जाता है आपका मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक, यदि हम बात करें जहाँ पर कि वर्षा बहुत कम होती है, और मरुस्थल में सब जानते हैं कि वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, शुष्कता के लिए प्रतिरोधी होते हैं, मरुस्थल में उगते हैं जहाँ पर की वर्षा बहुत कम होती है। कुल, जो कुल है आपकी फैमिली है, ट्रूफिलेसी का पौधा सीरम नंगे चट्टानों पर उगता हुआ पाया जाता है। वो जो प्लांट्स है वो किस पर पाया जाता है, ऐसे ही चट्टानों पर, ना उस पर मिट्टी रहती है ना रेत रहती है, सीधा चट्टानों पर ही उग जाता है। कौन सा पौधा आपका फैमिली फूसीलेसी का सीडम, सीडम प्लांट जो है, सीडम सीडम प्लांट जो है वो ऐसे ही चट्टानों पर उगता हुआ पाया जाता है। यदि हम बात करें पौधे जैसे हाइड्रोला, फैमिली हाइड्रो कैरिएटेसी के पौधे हैं, और जो हाइड्रा है वो क्या पाया जाता है, जल में मग है ना, जल में पूरी तरह से डूबा हुआ पाया जाता है। ठीक, तो दोनों स्थानों में, गर्म स्थान मतलब सीधी चट्टानों पर भी उग रहा है और सीधे सीधे पानी में भी उगता हुआ पाया जा रहा है। तो इसकी जो स्पोरोफाइट के जो मेंबर्स है वो सभी स्थानों पर, इसलिए तो इनको क्या कहा गया है, विश्वव्यापी, विश्व में पूरे ऑल ओवर विश्व में व्याप्त है। ठीक, दूसरी ओर कुल हाइड्रो कैरिएटेसी के पौधे जैसे हाइड्रा जल में मग्न रहते हैं, अर्थात शुष्कन के लिए संवेदनशील होते हैं, मतलब ये शुष्क अवस्था में